अब देखना है कि इस मैच में किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेंगी और दापोले की गेंदबाजी भी देखने वाली बात रहेंगी। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बैट्समैन जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाज चेतन पाटिल। चेतन ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। आकाश भोईर और कल्पेश ये दोनों बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद के साथ वहां पर चेतन, पहली गेंद देखना है, रूम बनाकर इस गेंद को खेला है, गैप में गेंद जा रही है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। थोड़ा जगह बनाकर इस गेंद को खेला था, अपने आप को रूम दिया वहां पर बल्लेबाज ने, अपने शरीर से थोड़ा दूर इस गेंद को खेला और सिंगल रन। सिंगल रन से मैच की शुरुआत की है बल्लेबाज ने और अपना खाता भी खोला है। मैच नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है। दोनों टीमों का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, तो ये मैच एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। अप्पा इंटरप्राइजेस न्यू गांवदेवी भरोडी और वीर तानाजी दापोले के बीच में अभी अभी ये मैच शुरू हुआ है। आकाश भोईर इस बार सामना करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन देखना है कि ग्लांस करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और बीमर गेंद के लिए रिव्यू लिया गया वहां पर। एक रन तो जरूर आया इस गेंद के ऊपर, फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी वहां पर इस गेंद को। अब देखना है तीसरे अंपायर का क्या डिसीजन आता है, बीमर गेंद के लिए वेस्ट हाइट के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। नो बॉल, तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, 1+1 2 रन, स्कोर अब 3 पर। बीमर गेंद रही थी इस बार वहां गेंदबाज चेतन पाटिल की, कुछ अलग करने की चाह में फुल टॉस गेंद, वो भी वेस्ट हाइट गेंद रही थी। अब फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन कल्पेश। इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की वहां पर, कैच तो जरूर पकड़ा गया लेकिन फ्री हिट गेंद रही थी ये, 1 रन और अब स्कोर में जुड़ेगा 4 पर स्कोर। इस टूर्नामेंट का आज का ये दूसरा दिन हम देख रहे हैं और आज भी कई मान्यवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी रही थी जहाँ पर कई मेहमान कई मान्यवर हमारे बीच में रहे थे और कल के जो 9 मैचेस रहे थे सभी 9 के 9 मैचेस कट टू कट रहे थे और आज के दिन भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि मैचेस उसी तरह से रहेंगे। इस बार मोड़ दिया इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज ने, देखने डीप में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है लेकिन सिंगल ही रन एक बार फिर से स्कोर में आता हुआ 5 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर अप्पा इंटरप्राइजेस न्यू गांवदेवी भरोडी। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है, अब तक कोई बड़ा हिट भी देखने को नहीं मिला और पिछले ओवर में भी चेतन ने पावर प्ले में ही गेंदबाजी की थी और वहां भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी रही है उनकी। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे, गेंद की लाइन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया था वहाँ पर बल्लेबाज ने। एक और बेहतरीन डिलीवरी और डॉट, एक और बेहतरीन गेंद वहाँ पर, थोड़ा आगे निकलकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज, हाफ वॉली पर लेकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन फिर से गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और लगातार ये 2 डॉट गेंदे पिछले मैच में बहुत ज़्यादा खेली गई थी बंटी 11 भरूडी द्वारा। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, देखना स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया और इसी बीच बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। अच्छी फील्डिंग रही वहां पर
डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला था वहाँ पर बल्लेबाज ने। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 7। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं रही, पहले ओवर में बल्लेबाजों ने उतने रन नहीं बटोरे, लेकिन अच्छी बात यह है भरोडे के लिए कि दोनों ओपनर बैट्समैन अभी भी वहाँ पर मौजूद है, कल्पेश और आकाश, और ये दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है बड़े हिट लगाने के लिए। लेकिन अब देखना है कि बची हुई 12 गेंदों में और कितने रन जोड़ पाते हैं। यहाँ पर पहला ओवर तो अच्छा रहा वहाँ पर चेतन का, अब देखना है दूसरे ओवर में वीर तानाजी दापोड़े की तरफ से कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन और अब संकेत को बुलाया गया है। संकेत ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे, लेकिन अब यहाँ से बड़े हिट लगाना होंगे वहाँ बल्लेबाजों को। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, 9 मैच लाइन में गेंद जाती हुई अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच सिंगल ही रन। इसके बाद जो मैच रहेगा जय हनुमान गोवे और जय हनुमान पिंपलास के बीच में अगला मैच रहेगा। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले का टॉपेज लगा था वहाँ पर, बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और ये सिंगल रन आया है। ओवर नंबर 2 का यहाँ से खेल शुरू हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को डिप फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चले गए ये डिप फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए, चौकी की मदद से स्कोर अब 12 पर। इस बार गैप में गेंद जाती हुई बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री। मन हो चुका है विकास मात्रे साहब, समाज सेवक बादोड़, वेलकम सर, आपका स्वागत है ज्ञान सेंटर प्रेजेंट जय गावदी चषक बाग बाबा में। और उसी बीच एक बार फिर से एक और बाउंड्री, लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री बैट्समैन कल्पेश ने। आज के दिन हम इस टूर्नामेंट में एक टिफिन का बॉक्स खिलाड़ियों को दे रहे हैं, जो खिलाड़ी बाउंड्री लगाएंगे सिक्सर लगाए उनके लिए एक टिफिन का बॉक्स है, जितनी बाउंड्री लगाएंगे उतने टिफिन के बॉक्स, जितने सिक्सर लगाए उतने टिफिन के बॉक्स। और ये जो आज हम दे रहे हैं वो माहिर नवनाथ मात्रे साहब जो जिनका जन्मदिन है, और जो आयोजक है सूरज भुईर और नवनाथ मात्रे सचिन पाटिल, उनकी तरफ से ये टिफिन बॉक्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन 3 टिफिन के बॉक्स तो यहाँ पर आएंगे बल्लेबाज कल्पेश के लिए, मैच का नतीजा जो भी हो लेकिन 3 टिफिन के बॉक्स। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई वहां पर बैट्समैन कल्पेश ने, अच्छी बल्लेबाजी अब देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से देखना, इस बार गेंद पीछे की तरफ जा रही है, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी इस बार 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अब यहां पर देखने को हमें मिल रही है, लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगा दी है कल्पेश भोईर ने, कमाल की बल्लेबाजी। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 24 पर स्कोर। इस ओवर में अब तक 17 रन आ चुके हैं। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है वहां पर
बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था और विकेट कीपर से क्या छूटा है और उसी बीच फिर से इस बार ये सिंगल रन। तो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब अच्छा स्कोर बना लिया यहाँ पर अप्पा इंटरप्राइजेस न्यू गावदेवी भरोड़ी ने, क्योंकि पहले ओवर में उतने रन नहीं आए थे, सिर्फ 7 रन आए, लेकिन इस ओवर में 18 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, खास करके जो बल्लेबाजी की है कल्पेश ने, 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री लगाई है और एक अच्छा ओवर रहा है उनके लिए। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए वैभव को बुलाया गया है। वैभव पाटिल लास्ट ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं, सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन कल्पेश। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद रहेंगी और ये गेंद जाएंगी, बिल्कुल देखना है क्या कुछ हो पाता है, बिल्कुल जाएंगी ये गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये बाउंड्री लगाई है बैट्समैन कल्पेश ने ये 5वीं बाउंड्री लगाई है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, हालांकि शॉट फाइनल लेग पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसको बीट कर गेंद निकल गई है डीप फाइनल लेग की दिशा में, एक बार फिर से 4 रन। इस बार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन रन इस गेंद के ऊपर सिंगल ही आएगा, एक रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर सिंगल रन की मदद से अब 30 पर। देखिए एक 4-व्हीलर गाड़ी है जो बिल्कुल सामने मंडप लगा हुआ है, तो वो गाड़ी वहां से हटाने, क्योंकि गाड़ी का जो रिफ्लेक्शन है यहां पर आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें उस गाड़ी को, आप लोगों को हटाना है, जिसकी भी वो गाड़ी है आपको प्लीज हटाना है वहां से। ऑन साइड में इस बार खेल दिया वहां पर बैट्समैन ने, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर आउट ऑफ द पार्क 6 रन। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया इस बार बैट्समैन आकाश भैर के बल्ले से, इस इनिंग का ये पहला सिक्सर। फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया और गेंद झाड़ियों के झुंड में चले गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36। फिर से वहां पर देखना है, इस बार क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। लास्ट 2 गेंदें बची हुई है, जबकि 4 गेंदों में जो अब तक रन खर्च किए गेंदबाज वैभव ने वो है 12। जय हनुमान गोवे के कैप्टन और जय हनुमान पिंपलास के कैप्टन, तुरंत ही टॉस के लिए आपको आ जाना है। ये जो मैच खेला जा रहा है ये 3-3 ओवर का मैच है, लेकिन जो अगला मैच रहेगा वो 4-4 ओवर का मैच रहेगा। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद है, देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट वहां पर गिरा है, ये पहला विकेट अब जाकर गिरा है और बैट्समैन संकेत आउट होकर वापस लौटते हुए। पांच बाउंड्री लगाई और 26 रनों की एक अहम पारी खेली है उन्होंने। सेकंड लास्ट गेंद पर ये पहला विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज अब आए हैं ओमकार, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे ओमकार, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 गेंद बची हुई है।
वैभव लास्ट गेंद के साथ वहां पर सामना करेंगे न्यू बैटर ओमकार। फुल टॉस गेंद वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद रही है। तो एक रन और एक विकेट इस गेंद के ऊपर। पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका। बल्लेबाजी करते हुए अप्पा इंटरप्राइजेज न्यू गांवदेवी भरोडी ने रन बनाए हैं। 37 और 38 का टारगेट रहेगा। अब 38 रन बनाएगा और 39 का टारगेट रहेगा वीर तानाजी दापोड़े के सामने। अगला टॉस अब होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें हैं जय हनुमान गोवे और जय हनुमान पिंपलास के बीच में अगला मैच रहेगा। तुरंत ही आपको टॉस के लिए आना है। जय हनुमान गोवे के कैप्टन जय हनुमान प्लास और जय हनुमान गोवे के बीच में अगला मैच रहेगा और उसका टॉस होने जा रहा है। टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में विकास माथरे साहब मौजूद है जो भादौड़ से आए हैं। आइए सर आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। विकास माथरे साहब आइए। विकास माथरे जी देखिए कॉइन दिखा दो। एक तरफ है जियांस इंटरप्राइजेस और दूसरी तरफ है जय गांव देवी चषक। जय गांव देवी चषक का है ना यहाँ पर गोवे कैप्टन का और आया है जियांस इंटरप्राइजेस। खूब खूब धन्यवाद विकास माथरे जी। तो टॉस को जीता है पिंपलास के कैप्टन ने। देखिए टूर्नामेंट भी हम देख रहे हैं कि पिंपलास में ही चल रहा है और सूरज बेर हर साल यहाँ पर ये टूर्नामेंट रखते हैं और आपका ये होम ग्राउंड है। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करने का फैसला लिया। सामने जो गोवे की टीम है एक अच्छी टीम है तो कितने रनों पर रोकने की कोशिश करोगे उन्हें? कमी रनों रोकने का प्रयत्न करो। देखिए सूरज बेर हर साल यहाँ पर अपना टूर्नामेंट रहते हैं हालांकि वो उनका जो गांव है वो बाप गांव है। तो किस तरह से आपके लोग ये सपोर्ट करते हैं सूरज भाई को? सपोर्ट करने के लिए अच्छा लगता है। तो ये थे पिंपलास के कैप्टन। इन्होंने अभी टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। धन्यवाद मदरकांड तमाम क्रिकेट रसिका स्वागत है। मित्रों पण पाहता आहेत ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन म्हणजेच जीसी आहे मान्यताप्राप्त टूर्नामेंट गावदी चषक बापगाव 2023 हा दुसरा दिवस आहे आणि दुसऱ्या दिवसातला एक महत्त्वपूर्ण लढत पाहतो आपण। दुसऱ्या फेरीतला ही लढत आहे। यानंतर बिग मॅच एकीकडे पिंपलास संघ तर दुसरीकडे पाहतो आपण जय हनुमान गोवे आणि कौतुक करावं लागल जय हनुमान गोवे टीमचं कारण की जय हनुमान गोवे टीम चा कैप्टन अपन आयोजक संपर्क साधायचे तर अपन स्वागत आणि सत्कार करणार आहोत। पिंपलास गावचे समाजसेवक आदरणीय मेघराज मोगराज भोईर साहेब हे व्यासपीठावर त्यांचा आपण येतोची स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया।
पाहतो आपण दादांचं येतोचे स्वागत आणि सत्कार होताना पाहतो आपण। पहिला चेंडू व्हाईटचा इशारा येतोय, त्यानंतर बादोडगावचे समाजसेवक आणि आमचे खास परममित्र विकासजी मात्रेसाहेब हे व्यासपीठावर आहेत, त्यांचं पण सुद्धा येतोचे स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया आपण। विकास पाते दादांचं येतोचे स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय। चांगला खेळ कंप्लीट केले दरम्यान विकास पाते साहेबांचं येतोचे स्वागत आणि सत्कार करताना पाहतोय आपण। या स्पर्धेचे आयोजक सूरज भोईर, एकोणचाळीस धावांचं टार्गेट आहे आणि तो टार्गेट पार करताना मात्र एक खराब सुरुवात पाहतोय आपण। राजमाळी यांनी टीमला ज्या प्रकारे गणवेश प्रदान केलेला आहे आणि राज म्हणजे राज करताना पाहतोय आपण। वीरतन दापोडे बस संघ पाहतोय खेळताना, या स्पर्धा पूल करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क होत नाहीये आणि बाकीचं काम पूर्ण करतो यष्टी रक्षक। एक चांगल्या स्थितीमध्ये पाहतोय आपण अप्पा इंटरप्राइजेस बरोडी। या स्पर्धा पडवून खेळायचा प्रयत्न होता, लाईन चुकीची होती, पंच इशारा करताय तो व्हाईटचा इशारा येतोय। अप्पा इंटरप्राइजेस भरोडी विपक्ष वीरतन दापोडे ब अशी फाईट पाहतोय आपण। चांगली बॅटिंगचं प्रदर्शन पाहिलं आपण, एकोणचाळीस धावांचं मोठं टार्गेट तीन षटकामध्ये, अजून एक चांगला चेंडू होता, अजून एक चांगला चेंडू, सुपर बॉलिंग अटॅक पाहतो आपण एक युवा गोलंदाज बरोबर टीमचा, चमकदार सूर्याची किरण अतिशय धीम्या गतीने वारे वाहताना आणि इथं मात्र निश्चित ज्या प्रकारे वीरतन दापोडे बस संघ बॅटिंग करतोय एक धीमी बॅटिंगचं प्रदर्शन पाहायला मिळालं। पहिले षटक प्रगतीपथावर, परत एक चांगला चेंडू, ऍक्शन रिप्ले त्याच प्रकारे पाहतोय आपण। अतिरिक्त फक्त दोन व्हाईट चेंडू टाकले होते त्या धावात, बॅटिंग एक पण धाव नाहीये, चांगला तिकट मारा करताना एक युवा गोलंदाज पाहतोय आपण। गोलंदाज सज्ज होताना यास पाहता फटका बॅटिंग आहे, बॅटिंग पहिली धाव तुम्ही आता कम्प्लीट करताना पाहतोय। तुमच्यासमोर मोठं टार्गेट आहे तेव्हा तुम्हाला चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे, धीमी बॅटिंग निराश असेल बॅटर। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या फक्त आणि फक्त तीन, आता मात्र समीकरण थोडस अवघड झालंय, येणारे 12 चेंडूने सामना जिंकण्यासाठी 36 धावांची आवश्यकता आहे। हॅलो प्रति षटकामागे तुम्हाला 18 धावांची सरासरी पूर्ण करावी लागेल, सोपं नसते या सरासरी पार करणं पण कठीण पण नसते। दोन मोठे फटके जर आले एका षटकामध्ये तर निश्चित दबाव कमी होईल, पण ज्या प्रकारे आपण गोलंदाजी पाहतोय
आप्पा एंटरप्राइजेस भरवे टीम ची एक मजबूत संघ होकचा फटका खाली क्षेत्रामध्ये पाहतो आपण फाइनल एक कडे क्षेत्ररक्षक आहे फक्त आणि फक्त मिळेल एक सिंगल तर आता मात्र समीर पहिल्या वेळेस स्ट्राइकला येतोय अकरा चेंडू आणि पस्तीस ची गरज चांगला फटका आहे पण पेसपिन टिकणार नाहीये लॉंग लेगचा क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे फक्त आणि फक्त एक सिंगल एक एक धावाने काही साध्य होणार नाहीये वीरतना दापोडे ब टीमला जर सामना जिंकायचा असेल तर षटकार चौकार मारावे लागतील जनमन पिंपला टीमने प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि जनमन गोवे टीमला बॅटिंगसाठी पाचारा केलेला आहे ओ चांगला चेंडू होता परत एकदा आणि सलामीचा बॅटरचा पहिला आपण खूप खराब कामगिरी करतोय क्रमांक तीन वरला भावेश भावेश पाटील मला वाटतं की आयुष्यातली सर्वात धीमी खेळ साकारतो की काय सातत्याने जास्त अजून एक भावेश सर्वात जास्त निर्धाव चेंडू घेणारा बॅटर या स्पर्धेतला ओ अजून एक आपल्या टीमला पराभवाची छायाकडे नेताना पाहतो भावेश सात चेंडू निर्धाव घेतलेले आतापर्यंत या षटकामध्ये परत दोन धावा आल्या धाव संख्या पहिल्यामध्ये तीन आणि दोन एकूण पाच आता मात्र सहा चेंडू आणि चौथी धावीची आवश्यकता आहे भावेश पाटील स्वतः निराश असेल कारण की प्रदर्शन त्याचं चांगलं नाही आहे दहा चेंडूचा सामना केलाय आणि त्यामध्ये फक्त दोन धाव संख्या बॅटिंग करताना आयुष्यामध्ये प्रत्येक खेळाडूच कॅरियर मध्ये चढ उतार होतात एका खेळी निराश होऊ नकोस ज्या प्रकारे खेळपट्टीवर पाहतो पण भावेश याला हा चेंडू मात्र काय निश्चित खराब चेंडू आहे काय पाहायचंय तिसऱ्या पंचाची मागणी केलेली आहे तिसरे पंच चेक करत आहेत पाहतोय आपण फक्त पंच रिव्ह्यू घेऊ शकतात कुठला खेळाडू किंवा कॅप्टन घेऊ शकत नाही वाईट आणि या पत्ता जेल ड्रॉप एक मोठ्या विजयाकडे वाटचाल करताना आप्पा एंटरप्राइजेस भरोडी संघ पाहतोय आपण हो हो या स्वतः क्लास आहे सुपर शॉट पाहतोय आपण षटकार आता मात्र किती धावेचं अंतर कमी करेल पराभवाचे पाहणं योग्य राहील ज्या प्रकारे तीन आणि तेवीस चं समीकरण राहील सजवतोय गोलंदाज हा चेंडू परत टाकावा लागेल
गोलंदाज सज्ज होतोय. ओ यावेळेस प्रत्येक चांगला चेंडू आडव्या बॅटिंग खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाहीये. यानंतर आपल्या होम ग्राउंडवर जे हनुमान पिंपळा संघ सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. आज निश्चित या स्पर्धेचे आयोजक सचिन पाटील खूप आनंदित दिसतोय इकडे तिकडे चोवीकडे. आणि आता मात्र स्ट्राईकला भावेश. आणि याच बरोबर सामना जिंकलाय अप्पा इंटरप्राइजेसच्या टीमने, तर सामना ही ठरलाय.